नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। नमस्कार, मैं हूं अनिल पांडे और आप देख रहे हैं SW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम के नए एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं खरगोन नगर पालिका के चुनाव को लेकर। पिछले दो एपिसोड में भी हमने विभिन्न मुद्दों और राजनीतिक दलों की समस्याओं और उनकी रणनीति को लेकर चर्चा की। आज सबसे पहले हमारे बीच जो उपस्थित अतिथि हैं उनका मैं आप दर्शकों से परिचय करा दूं। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री परविंदर सिंह चावला, जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं और एक मजबूत पकड़ रखते हैं जमीनी स्तर पर। हमारे बीच उपस्थित हैं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण इंगले, जो कि स्वयं राजनीतिक रूप से क्षेत्र के जाने माने नेता हैं और भाजपा की जो युवा रणनीति है उसके भी सूत्रधार रहे हैं। इन सभी जो चर्चाएं होंगी उसके विश्लेषण के लिए हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार उमेश जी उपस्थित हैं। हमारे पिछले एपिसोड में भी उमेश जी की जो सटीक टिप्पणी रही, जो विश्लेषण रहे, उसको आप दर्शकों ने पसंद किया और इन चर्चाओं में जो गर्मजोशी रही उसको भी हमारे दर्शकों ने पसंद किया। अब हम आ जाते हैं आज के मुद्दे पर, खरगोन नगर पालिका चुनाव। इस समय जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं राजनीतिक दलों की सांसें बढ़ती जा रही है। उसका कारण यह है परविंदर जी की निर्दलीय जो हैं उन लोगों ने दोनों ही राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस जिनका आमने सामने मुकाबला होता है, निर्दलियों ने इस बार कई जगह त्रिकोणीय मुकाबले बना दिए हैं और ये माना जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों को इससे अच्छा खासा नुकसान हो भी सकता है। मैं इन बातों से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है कि कांग्रेस ने जो इस बार प्रत्याशियों का चयन किया है, वार्ड स्तर पर पूरे कांग्रेसियों को हमने बिठाया। कमलनाथ जी की मंशा थी कि वार्ड से वार्ड के निवासियों के द्वारा कांग्रेस के प्रत्याशी का चयन हो और उस चयन की प्रक्रिया में हम लोग 100% सफल हुए। जो महत्वाकांक्षी जो कांग्रेस से बगावत होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो अति महत्वाकांक्षी हैं। उन्होंने वार्ड के निवासियों का, वार्ड के कांग्रेसियों का सम्मान न करते हुए एक अलग निर्दलीय की भूमिका का निर्वहन किया और मैं नहीं मानता हूँ कि कांग्रेस के चयन के आगे वो लोग कहीं टिक पाएंगे। और कांग्रेस ने जो इस बार चयन किया है, मैं बधाई देता हूँ क्षेत्रीय विधायक रवि जोशी जी को, कमलनाथ जी को, प्रदेश अध्यक्ष को, जिन्होंने बहुत ही एक अच्छे से कांग्रेस के चयन प्रक्रिया में अहम भूमिका का निर्वहन करते हुए खरगोन में और मध्य प्रदेश में एक अच्छे पार्षद प्रत्याशियों का चयन किया है। लेकिन चर्चा तो ये भी है चावला जी की खरगोन नगर पालिका में जो पार्षदों का चयन कांग्रेस ने किया है उसमें जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं जिन्होंने दशकों तक कांग्रेस की बागडोर संभाली है, उनकी राय को एक तरफा कर दिया गया? नहीं, मैं इससे पूर्णतः असहमत हूँ। मैं भी एक वार्ड का प्रत्याशी के रूप में अपने चयन की प्रक्रिया में था लेकिन मुझे लगा कि मेरे से एक योग्य व्यक्ति वहाँ पर जो है अच्छे से परफॉर्मेंस देगा, तो मैंने सर्च वार्ड के साथियों के साथ चर्चा करके उस जगह से अपना नाम हटा करके अन्य व्यक्ति का जो उस वार्ड में अच्छी चुनौती दे सकता है, उस वार्ड का प्रत्याशी है, उस वार्ड का निवासी है, उसको हमने जो चयन प्रक्रिया में शामिल किया और आज हम सभी लोग मिलकर एक साथ उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो आप ये मानते हैं कि कांग्रेस में जो राजनीतिक समीकरण है वो सब बराबर है, कहीं कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं है? लक्ष्मण जी, भाजपा में भी इस बार ताश ठोक रहे हैं निर्दलीय। कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर की जो पूर्व पार्षद हैं उन्होंने अपनी पत्नियों को खड़ा किया, कई भाजपा की कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी का विरोध करके स्वयं नामांकन भरा और आज निर्दलीय के रूप में मैदान में है। स्थानीय लोगों के बीच में भी ये बात आ रही है कि पैराशूट से प्रत्याशियों को उतारा गया, भाजपा ने इस वार्ड के रहने वाले को उस वार्ड में उतारा। देश की सबसे बड़ी पार्टी क्या वार्ड में एक प्रत्याशी नहीं मिला आपको? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी होने के कारण आज कार्यकर्ताओं के असंख्य फौज भारतीय जनता पार्टी के पास है। नहीं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन क्या कारण रहे कि स्थानीय जो कार्यकर्ता उसको नजरअंदाज किया गया, क्या कारण रहे? देखो, स्थानीय जो कार्यकर्ता टिकाऊ और प्रमाणिक है भारतीय जनता पार्टी ने उसे ही अपना प्रत्याशी बनाया है। और रही सही बात की जो निर्दलीय समीकरण बिगाड़े गए, इसको मैं सीधे से खारिज करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर और अपने प्रत्याशियों का चयन को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है। मैं खुद भी कई वार्डों में गया, किसी भी प्रकार से कोई भी कंट्रीब्यूशन वहाँ नहीं है। जनता हमें अच्छा रिस्पांस दे रही है, हमारे प्रत्याशियों को अच्छा रिस्पांस दे रही है और जनता आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका परिषद फिर से डबल से देखना चाहती, ऐसा मैं पूरे वार्डों में देख रहा हूँ।
लेकिन कई कई वार्डों में जो रिपोर्ट रही आपके, जो इस बार आपने सर्वे कराया, भाजपा की एक टीम गई, गोपनीय सर्वे हुआ, वहाँ पे पूछा गया स्थानीय स्तर पे लोगों की पसंद किस उम्मीदवार को लेकर है, किस उम्मीदवार की क्या वहाँ पर परफॉर्मेंस रही है, जिसके आधार पर हमने अपने टिकटों का वितरण किया गया ये माना जा रहा है। उसके बावजूद भी निर्दलीय खड़े होकर और कई पार्षदों की जो रिपोर्ट है, स्थानीय लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति उपयुक्त तो नहीं था, लेकिन भाजपा ने फिर भी उस पर विश्वास किया, तो इससे क्या कारण है? जैसे मैंने भी पहले भी आपको बोला कि भारतीय जनता पार्टी में प्रमाणिक कार्यकर्ता को ही टिकट दिया गया है और जिताऊ प्रत्याशी को ही टिकट दिया। ये बोलना चाहते हैं कि वो अप्रमाणिक हैं, जो आज की तारीख में निर्दलीय खड़े हैं वो अप्रमाणिक हैं, स्थानीय जनता जो जिनकी डिमांड कर रही है वो अप्रमाणिक हैं। जनता की डिमांड से ही और जनता जो उनके द्वारा जो हमारे पूर्व पार्षदों के द्वारा किए गए विकास, जैसे मेरी सीट है, मैंने वहाँ पर विकास किया, मेरे यहाँ प्रत्याशी, मैं उसके साथ में काम कर रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज बूथ स्तर पर उतरकर विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहा है और जनता का आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है। हमारे बीच उमेश रेवले जी उपस्थित थे। रेवले जी, आपने सुना, दोनों राजनीतिक दल के नेता पूरी तरह से इस बात को नकार रहे हैं कि निर्दलीय या जो विरोध में खड़े हुए हैं पार्षद पद के प्रत्याशी, उनका राजनीतिक जीत और हार पर इन दोनों पार्टियों को असर पड़ेगा। जहां तक जो चर्चा है या जो आप ही फील्ड में जा रहे हैं पूरी तरह से उस पर नजर रखें, कहां तक आप ये दोनों पार्टियों के जो बयान है उसको सही पाते हैं? मैं मानता हूं कि इस बार निर्दलीय जो है वो दोनों ही दलों का समीकरण बिगाड़ेंगे, ये तो तय। और रही बात असंतोष की, तो भारी असंतोष है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जब फॉर्म जमा करने का समय आया था तो हम लोग कलेक्ट्रेट में मौजूद थे और वहाँ मैंने, जैसे अंग्रेजी बता रहे हैं कि हमने जिताऊ और टिकाऊ जो भाजपा के नेता हैं उन्हें टिकट दिया है, पर वहाँ मैंने आंखें भरी हुई छलकते हुए वो भी देखा है और उनका रोज भी देखा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम निर्दलीय लड़ेंगे और निर्दलीय वो आ भी गए हैं मैदान में। कुछ लोगों को जरूर भाजपा समझाने में शायद सफल रही हो, लेकिन कई लोग असंतोष है कई लोगों में कि उन्होंने लंबे समय से वो भाजपा से जुड़े रहे इसके बावजूद भी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण रवि जायसवाल जी का है, जो भाजयुमो के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे, उनको अगर दरकिनार कर दिया गया और उन्होंने अपना पद छोड़ दिया तो ये भाजपा के लिए बड़ी सोचनीय स्थिति है कि आप एक पदाधिकारी को जोड़कर नहीं रख सके, उसे संतुष्ट नहीं कर सके। तो ये तो नहीं कहेंगे कि निर्दलीय खेल नहीं बिगाड़ेंगे, निश्चित रूप से बीजेपी में भी एक दो नेताओं की ही चली है, बाकी जो रास्ता देख रहे थे कई सालों से, क्योंकि पिछले 7 सालों से नगर पालिका का चुनाव नहीं है और वो मनसा पाले बैठे थे कि इस बार हमें टिकट मिलेगा और हम चुनाव लड़ेंगे और प्रतिनिधित्व करेंगे, तो वो नहीं हो पाया। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में भी यही स्थिति है। कांग्रेस में भी स्वीकार किया है कि रवि जोशी जी ने जो चाहा, रवि जोशी के मतदाताओं ने जिसको स्वीकार किया उस व्यक्ति को रवि जोशी जी, कमलनाथ जी ने चयन करके वार्ड प्रत्याशी रूप में प्रस्तुत किया है। पर ये रवि जोशी जी की कहीं इसमें व्यक्तिगत मंशा नहीं, मानना पड़ेगा की पूरे वार्ड के इस बार पूरे वार्ड के निवासी क्या है उन्हीं की सत्य कभी छुपा नहीं। यहाँ नहीं, बड़वा में भी यही हुआ कि वहाँ भी रवि जोशी जी की ही चली है। सारे वार्ड के कांग्रेसों ने मिलकर व्यक्ति का चयन किया, उसके लिए बकायदा मीटिंग, उसका एजेंडा तय हुआ, एजेंडे के बाद आयोजन प्रत्येक वार्ड में, कई वार्डों में मैं खुद बैठा हूं उनके साथ। ये कहना आपका बिल्कुल गलत, रवि जोशी जी ने बिल्कुल एक भी टिकट नहीं बांटा है, वार्ड के कांग्रेस ने टिकट बांटा है इस बार। और जहां तक भाजपा की बात कर रहे हैं विकास की, क्या विकास हुआ खरगोन में पिछले अनेक वर्षों में? देखो आप भाजपा की कितने समय से सरकार चली आ रही है, पुलिस थाने के सामने डामर कर रखा, डामर कर रखा, उसके बावजूद पानी नहीं रुक रहा वहां, देखो जाके आप, ये विकास है? जी, मेरे वार्ड के पार्षद रहे हैं, 30 नंबर का मैं भी मतदाता हूँ और वहीं के पार्षद रहे हैं। मेरी कॉलोनी में उन्होंने ड्रेनेज लाइन डाली, वापस उस ड्रेनेज लाइन को, जो कॉलोनी को पुरानी ड्रेनेज लाइन उससे जोड़ी, नगर के कितने करोड़ों रुपए का अपव्यय हुआ। हमने खुद ने उसमें बात उठाई थी कि आप ड्रेनेज लाइन क्यों नए सिरे से डालो जो पुरानी मणि डली हुई है। क्या कारण है? ब्रज विहार में स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श हैं, जिसको देश में अनेक जगहों पर, विश्व में उनको आदर्श मानते हैं, उनके स्टेच्यू के
सर्कल को आज तक व्यवस्थित नहीं कर पाया पांच साल में, किस विकास की बात करते हैं? कितनी बार वहां पर स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नतमस्तक हुए? ये मुझे कितनी बार हुए प्रमाण देने के लिए? सही विकास की बात, विकास की बात, कांग्रेस के पास विकास का नाम पर भ्रष्टाचार है। वृक्षारोपण किसने भ्रष्टाचार बिहार की कितने सड़कों का आपने संस्थापन किया? खरगोन नगर की प्रथम कॉलोनी है, खरगोन नगर की प्रथम कॉलोनी जो पूर्णतः वेद है, क्या कारण उसमें आज तक एक रोड नहीं बना पाए आप लोग? क्या कारण उसकी पानी की टंकी को नगर पालिका से नहीं जुड़वा पाए आप लोग? क्या कारण है कि संपत्ति कर जल तक ले रहे हैं आप, उसका विकास क्यों नहीं कर पाए? आज किस आधार पर वोट मांग रहे हैं आप? भाजपा की कथनी और गनी में पूरा विरोधाभास है। एक चीज और है परविंदर जी की, क्या कारण है कि कांग्रेस मीडिया के मंचों पे तो ये मुद्दे उठाती रही? हमने पहले भी आपके नेताओं से पूछा, वरिष्ठ नेताओं से पूछा, लेकिन सड़कों पे इन मुद्दों को लेके कांग्रेस नदारद रही, आम जनता ढूंढती रही कि विपक्ष कहाँ है। विपक्ष देखिए, विपक्ष अपनी ऐसा है कि कांग्रेस सरकार बनी, एक बहुत अच्छी बात आपने निकाली, बहुत अच्छी बात आपने निकाली, मैं उससे सहमत हूँ। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया, किसने खरीदी फरोख्त करी? आज कांग्रेस की सरकार जो मजबूती के साथ अपने क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में विकास की ओर चल रही थी, कमलनाथ जी की सरकार, क्या कारण बना कि उन्होंने खरीदी बिक्री चालू करी? क्या कारण है महाराष्ट्र में वही काम उन्होंने चालू करा? ये लोग सत्ता से दूर रह ही नहीं सकते, सत्ता को पाने के लिए ये इनके इन हर प्रकार के प्रकरण करेंगे। और कांग्रेस ने समय समय पर अपनी बात उठाई, लेकिन को सुनने देखने वाले ही नहीं है। जब इनकी नहीं सुन पाते, परिषद इनकी रही, परिषद इनकी रही, इनके काम नहीं होते रहे उसमें परिषद में, भाजपा के वार्डों के काम नहीं होते रहे। एक बात ये तो कह सकते हैं ना कि ये आपकी राजनीतिक कमजोरी है कि आपके नेता आपको छोड़कर, आपके पार्टी को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप उनको बांध के नहीं रख सके, आप ऐसा काम नहीं कर सकते। अरे जो अपने इसके लिए, इसके लिए बांध के नहीं रख सके, जनता की बातों को क्या संभालेगा? इतने इतने तरीके आ गए हैं भाजपा के पास कि लोगों को इतने बुरी तरीके से डराया जाता है कि वो चाह के भी फिर संभल नहीं पाते। भाजपा के पास मात्र एक तरीका है विकास करने का, जो विकास महाराष्ट्र में कर रहे हो, कुंठित थे सरकार को तोड़ के, कांग्रेस के सारे लोग कुंठित थे, अपनी कुंठा को जाहिर, सत्ता के बगैर ये नहीं रह सकते। हमने तो सत्ता को कई सालों से हमारे कार्यकर्ताओं ने हारी है, हम दो से चले गए। बिक्री कौन कर रहा है? प्रमाण सामने है यार, उमेश जी प्रमाण सामने है, कमलनाथ की सरकार को किसने तोड़ा? कमलनाथ की कमल एक मिनट कमलनाथ की सरकार ने जो निर्णय लिए थे जनता ने उसे स्वीकार, आपने युवाओं को बेरोजगार के साथ ढोर ढंकर से रहने की वो करते हो, बाजे बजाने की बात करते हो। के खरगोन नगर पालिका पे आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि जो राज्य सरकारें हैं उनसे नगर निकाय कनेक्टेड होते हैं, नगरीय प्रशासन के। हां, इनका जो घोषणा पत्र गंगा बांटना है, वहां किसे बांटा? पर मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की योजना को लेकर बहुत प्रभाव पड़ता, क्यों शहर के मुद्दे पे बात नहीं करी उसमें? हम ये भी मानते हैं कि कांग्रेस के जो आरोप हैं उनको हम पूरी तरह बेबुनियाद भी नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, क्योंकि शहर की जो हम स्थिति देख रहे हैं उन आरोपों में कहीं ना कहीं सच्चाई है। यह एक अलग बात है कि कांग्रेस उन मुद्दों को विपक्ष के नाते पुरजोर तरीके से उठा नहीं पाई, और यही कारण रहा कि भाजपा को अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ। तो क्या इस बार के चुनाव में वो जो गलतियां, जो कुछ चीजें बाकी रह गई वो आपको समझते हुए हम उसकी चर्चा भी करेंगे, तो क्या वो जता पाएगी कि आपने कुछ ये कमियां रही भाजपा की? निश्चित रूप से भाजपा को कई ऐसे मुद्दे हैं जिसका सामना करना पड़ेगा, जैसे दंगा है अभी अभी जो हुआ था उसको लेकर कई लोग अभी भी उनको मुआवजा नहीं मिला। मैं कल ही संजय नगर गया था, संजय नगर में एक व्यक्ति है, उनके दो वाहन जल गए हैं, उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। उन्हीं के सामने एक महिला थी, उन्हें भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला, कुछ लोगों को ही मिला है, बाकी लोग अभी भी बाकी हैं। ट्रांसपोर्ट नगर अभी तक नहीं बन पाया है, कई सालों से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बाईपास नहीं बन पाया है, शहर में जल आवर्धन योजना अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है, ड्रेनेज की समस्या है। पाँच साल पहले जो स्थिति शहर की थी अमूमन वही स्थिति अब भी है, तो उसके लिए भाजपा को विकास के नाम पर अगर विकास की बात करें तो विकास साथ खुद ही निर्दलीय हो गए हैं। भाजपा के जो नेताओं से हम चर्चा करते हैं, जो भी करते हैं, तो उसमें विशेष रूप से दंगे का उल्लेख कर रहे हैं। एक बार फिर से भाजपा ये मान के चल रही है कि जो दंगे हुए थे ये उसके लिए फायदे का सौदा साबित होंगे, और कांग्रेस भी यही सोच रही है कि इन दंगों को लेकर के उनका जो वोट बैंक या जो भी है वो मजबूत हो। नहीं, मैं तो इस अरविंदर जी एक सेकंड, मैं उमेश जी का विरोध सुनना चाहूंगा। इस स्थिति को लेकर आज दोनों ही जो दल है वो दंगों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है कि इनसे कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जो है
जो उपयोगिता वो साबित हो जाएगी वोटों को लेकर, क्या समझते हैं? नहीं, दंगों को लेकर अभी तक तो ये स्पष्ट है, दोनों ही दल नहीं कह सकते कि वो इसको भुना पाएंगे या नहीं भुना पाएंगे, क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं रोष है। 25 दिन का कर्फ्यू झेला है, पहले कोरोना में आर्थिक रूप से व्यापारी और जो निम्न वर्ग है वो टूट गया है, मध्यम वर्ग टूट गया है, तो उससे जिस तरह से इस दंगे की स्थिति से निपटना चाहिए था, सद्भावना पुरुष कई लोग कहते हैं, वो लोग बाहर नहीं आए, शांति समिति के लोग घर बैठे रहे, तो ये बड़ी चिंतनीय बात है कि शहर में अभी भी तनावपूर्ण स्थिति, मतलब शांतिपूर्ण तो है लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी इस बात को लेकर रोष है कि जनप्रतिनिधि बैठे रहे और हमारे किसी ने इसमें मैं, काफी सच्चाई है। मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा, एक दो सेकंड आपकी बात में काफी सच्चाई, क्योंकि खरगोन शहर की आबोहवा को सुधारने को लेकर, यहाँ परस्पर भाईचारा स्थापित करने को लेकर कई समितियां बनी हुई हैं, कई शासकीय स्तर पर बनी हैं, कई सामाजिक स्तर पर बनी हैं, और वो पूरी तरह से एक तरह से कहा जाए तो घुन खा चुकी हैं। सामान्य जो लोग हैं सिर्फ नाम नाम लेकर यही होता है कि जो भी लेकर चाहिए थोड़ा सा करें, ताकि प्रशासनिक सर्जरी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो समितियां बनी है उसमें कई लोग ऐसे हैं जो कभी समितियों में बैठक में अटेंड भी नहीं करते हैं, शांति समिति में कई लोग जाते नहीं हैं, जब कोई मुद्दा इस तरह का गंभीर मुद्दा आता है तब अपने विचार तक नहीं रखते हैं, मात्र एक या दो लोग वहां पर बोलते हैं, जबकि शहर हित में सभी को बात करना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए। अभी जैसे असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी से इस बार कहा जा रहा है कि वो प्रभावित करेगी, लेकिन अभी हाल ही में जो उनके नेता हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने, खरगोन पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई असर होगा। लेकिन ये जरूर है कि निर्दलीय इस बार जो है, जैसे भाजपा ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को प्रत्याशी नहीं बनाया है, और उसी तरह कांग्रेस से भी मुस्लिम नाराज है, तो अभी वर्तमान में ये स्थिति है। मेरी कल ही एक नेता से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो निर्दलीय हैं, करीब 10 निर्दलीय आ रहे हैं और वो भाजपा और कांग्रेस दोनों का समीकरण बिगाड़ेंगे। ब्रेक पे जाने के पहले मैं लक्ष्मण इंदले जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी आपने चर्चा में सुना, वरिष्ठ पत्रकार उमेश रेवालिया जी ने भी कहा कि हाँ सचमुच भाजपा से जो पिछले 10 साल से, उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल के पिछले 5 सालों में जो परिस्थितियां थी वस्तुतः अभी भी वही देखी जा रही है, तो आप क्या मानते हैं इस चीज को कि हाँ शहर के विकास को लेकर भाजपा से कुछ कमी रह गई या चूक रह गई, आप जो भी समझे, जिस कमी को आप आगे पूरी करना चाहते हैं, तो आखिर क्या है वो? भारतीय जनता पार्टी, ये समय होता है मंथन का जी, भारतीय जनता पार्टी की पिछली परिषद हो या इससे पिछली परिषद हो, हमने विकास के काम किए हैं। ये है कि कुछ सीवरेज और जल अनुदान में थोड़ा सा हमेशा समय लंबा हो गया है, लेकिन उसको भी पूर्ण कर रहे हैं, अभी भी काम चल रहे हैं। आप देखिए, जब हमारी विमला जायसवाल जी थी, जब हमने बस स्टैंड का जीर्णोद्धार कराया, इसके पहले कांग्रेस ने कुछ नहीं कराया था। हम भारतीय जनता पार्टी की जब दूसरी बार परिषद बनी, आप देख लिए कुंदा नदी के साइड में दोनों साइड नए पुल बने, आइट साइड रोड बने हैं, और कुंदा नदी के जीर्णोद्धार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछली परिषद में जनता के सहयोग से कितनी बार उसकी सफाई का काम किया गया, लेकिन कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता वहां गया नहीं। मैं कांग्रेस को यहां से खुली चुनौती देता हूं कि आप भी अपने कार्यकर्ताओं को बुलाइए और हम भी हमारे कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं और दोनों मिलकर कुंदा नदी की सफाई करते हैं। अगर कांग्रेस राजी हो तो मेरे साथ इस बात का पूर्णतः विरोध करता हूं। मेरे मोबाइल से भी मैं तस्वीरें दिखा सकता हूं जिसमें कुंदा अभियान सफाई में मैं खुद स्वयं मौजूद था। एक सवाल भी कर सकते हैं, आप कभी सपोर्ट नहीं कर सकते कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ, हम लोग वहां मौजूद हुआ है। आपने ये पहले देखिए कि विकास इनने बोला कि कांग्रेस ने आज तक विकास नहीं किया, अरे इतने समय से यहाँ पर है। मेरे चाचा मनमोहन सिंह चावला, मनमोहन सिंह चावला नगर पालिका अध्यक्ष रहे, उस समय का कार्यकाल उठा के देखिए आप, क्या कार्यकाल है उपलब्धि बता दो। मैंने बताया ये देश में हमने बनाया, रोड हमने बनाए, हमने पुल बनाए, आपने क्या किया? सभी एक ही दिन में हो गया, भ्रष्टाचार के सिवा कोई काम नहीं किया। इनके पास उनके जुदाई चिराग है जो एक ही दिन में सब काम कर दिया। मंत्री खुद कहते थे कि मैं 1 रुपया बेचता हूं 10 पैसा बेचता है। आज हमारे प्रधानमंत्री
6,000 रुपए दिल्ली से भेजते हैं और 4,000 रुपए हमारे ऐसा है, ये भाजपा का रोल है। आप किसान से पूछ लो, लोकल की सर्वे कर लो, एक रुपया भी इधर उधर क्यों नहीं होता। लोकल की बात करो ना आप, लोकल में आप खरगोन में कांग्रेस ने क्या नहीं किया, कांग्रेस के पार्षदों ने क्या नहीं किया और आप नेताजी हाजिर हो। ब्रेक के बाद SW24 न्यूज मध्य प्रदेश पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है और इस समय नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में नगर निकाय खरगोन के चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच गर्मा गर्म बहस जारी है और इस बहस का क्या परिणाम निकल सकता है उसके विश्लेषण के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमेश रेवलिया जी मौजूद हैं, भाजपा से जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण इंगले जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परविंदर सिंह चावला आपके वो सवालों का जवाब यहाँ पर दे रहे हैं और वो चीजें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में उजागर हो रही हैं जो आम जनता शायद अभी तक जानती नहीं थी, लेकिन शहर के विकास को लेकर के ऐसी चर्चाएं बहुत जरूरी हैं। लक्ष्मण जी, अभी आपने कहा इसके पहले कि विकास हमने किया है, विकास किया है, उसके बाद आपकी साफगोई की भी मैं दाद देता हूँ कि आपने माना कि ड्रेनेज वगैरह को लेकर कुछ चीजें बाकी हैं जिनका काम चल रहा है, लेकिन पेयजल को हम आज देखे, पेयजल की जो बात है आपके जो भाजपा के कार्यकाल में ये शुरू हुई थी और अभी सुरसा की तरह मुंह फाड़े खड़ी हुई है, आम जनता सोच रही है आखिर इन नलों में पानी आएगा कब, तो आखिर ये कब तक पूरी होंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली परिषद में जो योजनाएं बनाई थी उस पर मूर्त रूप दिया जा रहा है। आज 25 लाख लीटर MLD पानी हम लोग जनता को प्रतिदिन दे रहे हैं, मांग हमारी 40 है, लेकिन जो अभी जो नया स्टॉपेज जो बन रहा है वो 30 लाख MLD का बन रहा है और जो जो 10 बचेगा वो संतोषी माता वाटर वर्क के वहाँ पर 10 MLD वो रहेगा। तो आने वाले समय में हम जनता को 24 घंटे का नल पानी दे सकेंगे, ऐसी हमने पूरी व्यवस्था कर ली है। चूँकि अभी आचार संहिता चल रही है इसलिए हम लोग उसमें अभी वो नहीं, हमारी जैसी परिषद बैठेगी सब में पहले हमारा प्राथमिकता जल होगा और जल के लिए हमने मेहनत भी करी है, हमने उसका विकास किया। आज चारों तरफ आप देख रहे हैं कि पानी की टंकियों का हमने हमारा स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया है, ट्रैंकिंग के माध्यम से जल आवर्धन के माध्यम से हम उसको जोड़कर जनता को 24 घंटे का पानी पिलाने का जो हमने वादा किया था वो हम पूरा कर रहे। देखो, हमने जो जो भी वादे करे थे उसको मूर्त रूप में जाने के लिए उसको हमने निभाने के लिए पूरी प्रयास किए थे, हमने धारा 370 का बोला था हमने हटाई। लेकिन आप जो पेयजल की बात कर रहे हो और आप बता रहे हैं जो संरचना भाजपा आगे भविष्य में बता रही है कि इस प्रकार की संरचना होगी जिसमें इतनी तादाद में पानी इकट्ठा होगा जो हम पेयजल के लिए देंगे, लेकिन एक ही नदी पे आप ये जो संरचनाओं की बात कर रहे हैं देजला देवड़ा वही उसी से जुड़ी हुई है कुंडा, तो विशेषज्ञ बोलते हैं कि ये किसी भी प्रकार से सही नहीं है और ये 90 के दशक से आप जो बोल रहे हैं ये चर्चाएं तत्कालीन CMO राय जब यहाँ थे तत्कालीन मेरे सामने की चर्चा है, तब भी यही चर्चा होती थी, मैं समझता हूँ शायद 2 दशक बीतने को आ रहे होंगे लेकिन अभी तक वो मूर्त रूप में नहीं आ पाई। जब डिबेट होती है तब ये संरचना बताई जाती है, जैसे हम बायपास की बात कर रहे हैं खरगोन बायपास की आज से शायद 8 या 9 साल पहले जिला पंचायत में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें सन 2030 की एक कार्य योजना बताई गई थी शहर विकास को लेकर, उसमें सबसे पहले प्रमुखता से बताया गया था बायपास। देखिए, हमने जो बायपास का ट्रांसपोर्ट मैं बता रहा हूँ उसका जो बायपास ट्रांसपोर्ट नगर और ये सारी भी जितनी संरचनाएं जो हमने बनाई थी 2018 तक हम आते आते जब हम चुनाव में आ गए, चुनाव में आने के बाद जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई तो कांग्रेस की गवर्नमेंट को भी मालूम था कि यहाँ पर ये इतने सारे स्ट्रक्चर इन्होंने भाजपा के लोगों ने भेजा था, तो कमलनाथ जी ने क्या करा, वो फाइलों को पोटली बना के उसको साइड में रख दिया, दरकिनार करे और अपनी सरकार में उलुल जुलुल मतलब मुद्दे देकर उसे सहयोग नहीं किया। देखिए, जहाँ तक बातचीत है लक्ष्मण, मेरी बात पूरी हो जान दीजिए फिर मैं, माननीय राजू भैया है तो इस प्रकार के जो मुद्दे हमने जनता के बीच में, और ऐसा नहीं है कि हमने मुद्दे आज उसको मूर्त रूप में
वो हो रहे हैं। मैंने आपको उदाहरण दिए कि हमने क्या क्या किए और हम आगे क्या करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी विकास का वादा किया है उसे पूरा करेगी, आगे करती रहेगी। और हमारी जनता को मैं एक आश्वस्त करता हूँ कि हम आपसे वादा करते हैं कि आने वाले समय में हम 24 घंटे का पानी आपको देंगे, कोई भी बंदे को गुंडाबेड़ी लेकर बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। उमेश जी, भाजपा जो दावा कर रही है पेयजल को लेकर, आप और हम एक शहरी भी अच्छी तरह से जानता है कि ये सारी योजना तब तक मूर्त रूप नहीं ले सकती जब तक इसको नर्मदा से जोड़ा नहीं जाए, क्योंकि देजला देवड़ा जो जलाशय है एकमात्र जलाशय है जो खरगोन शहर की प्यास बुझाता है, और कई बार ये है कि वो खुद ही प्यासा रह जाता है, मतलब सूख जाता है। देखिए, एक तो ये है कि नर्मदा लाइन को लेकर भी जो बात चल रही है वो बातें ही चल रही है, पानी, सड़क और बिजली, ये तीन चीजें मुझे लगता है 25-30 साल पहले भी यही मुद्दा रहा करता था और आज भी यही है। मतलब खरगोन के लिए दुर्भाग्य की बात है कि पानी, बिजली, सड़क के लिए हमें यहाँ इस वक्त 2022 में भी बात करना पड़ रही है। ये 99 में भी इस मुद्दे को लेकर बात की जाती थी, इस मुद्दे को लेकर बहस की जाती थी, खबरें छपती थी, आज भी उसी को लेकर लोग परेशान हैं, जबकि इन सब चीज़ों से बहुत पहले ही बाहर हो जाना चाहिए था खरगोन को। लेकिन खरगोन में बहुत धीमी गति से विकास हो रहा है, ये बात हम मानते हैं कि कांग्रेस के बजाय बीजेपी के कार्यकाल में विकास तो हुआ है, सड़कें बनी हैं, लेकिन भ्रष्टाचार भी हुआ है। भ्रष्टाचार अगर हम कहें तो चरम पर है अभी। पर वैसे तो मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा, हम जो शहर का स्ट्रक्चर देखते हैं, जो शहर में हम व्यावसायिक दुकानों को देखते हैं, ये सारा कुछ देखते हैं, तो ये इसमें दो ही हमको हाथ नजर आते हैं, एक तो कांग्रेस का हाथ नजर आता है और दूसरा इस क्षेत्र के जो कॉलोनाइजर है उनका हाथ नजर आता है। भाजपा का मेरे हिसाब से उनके कार्यकाल में ऐसा कोई भी बाजार नहीं है जिस बाजार को हम ये कह सकें कि आने वाले 100 साल या 50 साल तक इस शहर की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। खरगोन शहर आज एक सड़क के ऊपर पूरा ट्रैफिक चल रहा है, कॉलोनियां अवैध बनती जा रही हैं, कॉलोनी से सड़क को एक दूसरे से जोड़ नहीं रहे हैं, कॉलोनाइजर लड़ रहे हैं, कॉलोनी में निवास करने वाले पूरी तरह परेशान हैं। ये बात सही है। मैं कुछ बोलना चाहूंगा, जैसे कि अभी लक्ष्मण जी ने बोला कि जब हमारी परिषद बनेगी, मतलब स्वीकार करें कि इस समय तो इनके परिषद नहीं बनेगी। अभी अपन चुनाव में हैं, जब हमारी परिषद बनेगी मतलब ये तो स्वीकार। आशावादी बात करता है तो मैंने आशावादी वाली बात करी, अब आपको उल्टा लगेगा। ये बोल रहे हैं कि हम प्रतिदिन पानी देते हैं, पूरे शहरवासी जानते हैं कि किस समय पानी देते हैं, कितने कितने दिन छोड़ के पानी देते हैं, जाके देखो, पूरे नगर के लोग जानते हैं, नगर के लोग मेरी बात सुन रहे हैं, इनकी बात से किस सहमत होंगे वो समझ सकते हैं। दूसरी, आपने एक बात बोली थी दंगे से कांग्रेस को फायदा नुकसान, दंगों से कांग्रेस बड़ी आहत और दुखी है, खरगोन में ये जो हुआ नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, जिला प्रशासन द्वारा खरगोन के विधायक को भ्रमण करने की अनुमति नहीं दी गई, कितना दुर्भाग्य है। क्षेत्र जनप्रतिनिधि ना तो उसको काम नहीं करने दिया गया, क्या कारण है खरगोन का दुर्भाग्य है कि 25 दिन तक खरगोन में कर्फ्यू चला, जबकि यहाँ भ्रामक प्रचार तो आप नहीं करा, कुछ तथाकथित लोगों को छोड़ दिया, मनचैन के लोग हैं, पूरे दंगे में भारतीय जनता भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पर जो है बीच में तुम्हारे नेताओं को क्यों भगाया गया, क्या कारण है गरीबों के तबके तक वो पहुंच नहीं पाई। कोविड के समय लोग मरते रहे, ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे, लेकिन उनकी व्यवस्था नहीं चल पाई। कोविड के समय तो पूरी कांग्रेस घर पे बैठी थी, पूरे कांग्रेस के रवि समय में हमारा कार्यकर्ता एम्बुलेंस से चल गया, सारी चीजें चली। ये ऐसा जब आप बोला तो मैं चुप था, मेरे बीच में आप दखल उत्पन्न कर रहे हैं। भाजपा की कथनी और करनी का अंतर आप स्पष्ट देख रहे हैं, सबको सुनना पसंद नहीं करते हैं, ये सुनना है कि शेयर हम झूठ पसंद नहीं करते। सुभाष यादव जी की देने जो बस स्टैंड खरगोन अपने खरगोन की नहर भी जो लगे पूरे शहर के विकास में कांग्रेस की एक तप्पा पहल रही है। जो होने वाला है उस दोनों की दौड़ में वो अपने आप को पीछे रखना नहीं चाहते, हालांकि इस चर्चा को लेकर जो अंतिम निर्णय है वो तो आम जनता ही करेगी। पांडे जी, मैं थोड़ी सी बात रखना चाहता हूं, लेकिन अभी
अभी जो चर्चा हो रही है उस चर्चा में हम ये देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोपों का दौर तो जारी है, लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? कांग्रेस की परिषद बनेगी, विकास करेगी शहर का, और तथाकथित लोगों को समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है और जो करना चाहती है वो करके शहर के नागरिकों को दिखाएगी। नाथूलाल जी की जब उस समय थे नगर पालिका अध्यक्ष, काम हुआ। सरदार मनमोहन सिंह जी चावला थे जब काम हुआ। मैं काम तो बता दो क्या हुआ? अरे पूरा शहर का स्टेडियम हमने बनाया, पूरा शहर स्टेडियम आपने बनाया, स्टेडियम पहले से। आप बातों बताओ तो सही, आपके सरकार ने किया क्या? पैसा ले रहे हैं, क्या किया? कौन सा आपने मैदान दिया? कौन सा विकास खरगोन को दे दिया? कौन सा एक मैदान? अरे आपने तो खरगोन की चीजें ले गए अपने बचाओ। सुभाष यादव के नहर ले गए, विजय लक्ष्मी शाह अपना मेडिकल कॉलेज ले गई, तो करा क्या? नाम तो बताइए। बिल्कुल आप बिल्कुल बोलने नहीं दे रहे। आप नाम बताइए, नाम बताइए। आपने विकास किस प्रकार किया? के जो आरोप प्रत्यारोप है विकास को लेकर, हम वही उमेश जी से पूछना चाहते हैं कि आखिर इन दावों और इन आरोपों के बीच सच्चाई कहां तक है, जो सही धरातल पर देखी जा सकती है? दोनों राजनीतिक दलों के जो दावे हैं आज, उसमें हम कहां खड़े हैं? खरगोन नौगढ़ मेला के मैदान में बैठे आपने गरीब नागरिकों के मेले नहीं लगने दिया आपने? विधायक कौन है? हां विधायक कौन है? जब कौन था? सत्ता किसकी है? सत्ता आप लोगों की है। अरे सत्ता हमारी, हमारे विधायक को आपने तुम्हारे विधायक की 10 दिन में कर्जा माफ कर दूंगा, आप खुद ही नहीं पट गए। आप स्थानीय मुद्दों पर बात कर रहे हैं? स्थानीय मुद्दों की बात कर रहा हूँ मैं। कहाँ की कर्जे कर्जा आपने मोदी जी ने बोला? खरगोन नगर पालिका में लेने लेके वापस आऊंगा। उमेश जी आपसे दोनों से एक बात पूछना चाहता हूँ। शहर का और जिले का सबसे बड़ा मुद्दा है कि स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह से अभी कोरोना काल में स्थिति रही, वो हम कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाए एक अलग बात है, लेकिन मेडिकल कॉलेज को लेकर एक अभियान भी चला और चल रहा है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी दोनों ही नेताओं की भूमिका इसमें बिल्कुल नगण्य जैसी है। विजय लक्ष्मी साधो यहाँ से मेडिकल कॉलेज जो स्वीकृत था वो महेश्वर ले गई, उसके बाद भाजपा की सरकार आई वो अधर में आ गया और एक तरह से निरस्त हो गया। अब वर्तमान में ना तो सांसद जी आगे आ रहे हैं, ना इस मुद्दे को पर कोई कमेंट कर रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं, ना कांग्रेस की ओर से, जबकि 5-5 विधायक यहाँ हैं, सिग्नेचर करके उसके बाद सिर्फ एक एक सिग्नेचर कर देते हैं। कभी वो इस रूप में कभी खड़े नहीं हुए कि हम आपके जन आंदोलन के साथ हैं। इस लेटर के बाद दूसरा ना तो सांसद का लेटर आया, उन्होंने एक लाइन नहीं यहाँ पर दोनों से पूछना चाहता हूँ। चावला जी भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और अपने इंगले जी भी, तो दोनों बताए कि मेडिकल कॉलेज जिला मुख्यालय पर क्या विधानसभा चुनाव से पहले आ जाएगा, स्वीकृत हो जाएगा, कोई करा पाएगा? आप लोगों के नेता क्या कर रहे हैं? हम लोगों के नेता अपने स्तर पर अंधी बहरी गूंगी सरकार के आगे दुहाई लगा रहे हैं कि हमारे खरगोन के जिले के विकास के लिए हमें मेडिकल कॉलेज जो हमारी जन सुविधाएं हमको चाहिए, बुनियाद की चीजें चाहिए, उसके लिए हमारा साथ दे। पिपरी बांध बना के रखा हुआ है, उसमें पानी की व्यवस्था नहीं, वहाँ पे जो पाइप डाले गए ऐसे डाले गए हैं कि जो थोड़े से प्रेशर से आके उखड़ जाते हैं। ये सारी भाजपा की जो भ्रष्टाचारी सरकार है वो किसी को सुनने समझना चाहती नहीं है। परमात्मा को सद्बुद्धि दे और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हमको आगे बढ़ के मदद करे, ये हम निवेदन प्रार्थना कर सकते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी और किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करते हैं। वो तो अभी हमको पता है नगर पालिका में किस किस को, वो तो सबको पता है। अभी टीवी पर डिबेट चल रही है कांग्रेस की, देख लीजिए आप, मुझे बताने की आवश्यकता। हाँ जहां तक मैं जनता खरगोन महाराष्ट्र में वही काम कर रही है भाजपा से, ये निवेदन करता हूँ और मैं आपको आश्वस्त की कमलनाथ की सरकार को गिराने में भ्रष्टाचार का काम हुआ। नरेंद्र मोदी और शिवराज मामा आपको देंगे, आप निश्चिंत रहे हो। ये गुंगी बीरी जो बोल रहे नहीं, खुद की लंगड़ी लूली सरकारें थी, बहुत सारे विकास के पोर्टले रख दिए। पहली बात तो इनके नेता जब भी कुछ बनते हैं समय पहले अपने गाँव का भला करते हैं, कहीं का नहर ले जाता है, दूसरा कहीं का जो है मेडिकल कॉलेज ले जाता है, और कई का तो ये कहता है कि बिस्तान जैसे शहर में मैं क्या, मेरा बाप भी पानी नहीं ले आता, शिवराज मामा ने वहाँ पानी भेजा। जनता प्रफुल्लित है भाई साहब, विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जीतेगी। देखिए अब नगर पालिका खरगोन के चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है, ये चर्चा महाराष्ट्र तक पहुंच गई, ये चर्चा भोपाल तक पहुंच गई, ये चर्चा दिल्ली तक पहुंच गई, तो इनके पास कुछ है ही नहीं परोसने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं
है क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता घर से बाहर नहीं निकलता, ऊंट पे से बकरी चराता। उमेश जी ने बताया अभी इनको बोल है ना, तो इनका जो है कि अभी वक्त गिर रहा है, तो ये बोखलाहट में जो भी बोलना चाहे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के जो है निर्दलीय बनकर चुनाव लड़ रहा है। मेरी बात सुन लो, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लक्ष्मण इंगले मजदूर परिवार से आता हूं। मैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता हूं, राजू भाई बन सकते हैं, स्वीकार कर ले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं क्या? ये सबके मैं स्वीकार करता हूं कि भारतीय पार्टी की बात करता हूं, ये तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ, उसके बाद भारतीय की बातें कर क्या हो बात नहीं कर सकते। ये कहना गलत है। आज परविंदर चावला जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी का भाग्य अभी जोर नहीं मार रहा, इसलिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो इसलिए नहीं मार रहा है कि भाई साहब वो भाग्य की बात है, जनता है चुनेगी, आगे भविष्य अच्छा आएगा। अरे कांग्रेस बता रहा हूँ, राज्य समय दे दी, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ राहुल गांधी श्रापित है। भ्रष्टाचार की जननी आप है, लांछित नहीं कर रहे। दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि हम इस समय नगर पालिका के मुद्दों को लेकर बात कर रहे करना चाह रहे हैं, और हम बहुत छोटे स्तर पे ये देखा जाए तो इस शहर की जनता जो रह रही है बहुत छोटे छोटे उसके सपने हैं, बहुत छोटी छोटी उसकी इच्छाएं हैं, जिनको पूरा करने के लिए वो इन राजनीतिक दलों के वादों में या छलावों में जो कुछ भी कहा जाए आती है, अपना महत्वपूर्ण वोट देती है और इंतजार करती है 5 साल तक कि उसकी जो इच्छाएँ वो कब पूरी होंगी। जिला चिकित्सालय, पेयजल, खरगोन शहर में बैठक व्यवस्था, जहाँ एक रेहड़ी वाला, एक ठेले वाला अपना धंधा करके अपने परिवार को पाल सके, ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यहाँ का आम शहरी, खरगोन का शहरी सपना देखता है कि आज उसके पास भी ये चीज़ें सुलभ हो। लेकिन एक इसे दुखद कहा जाएगा कि हम आज़ादी के 70 साल बाद तक भी आज बैठ करके दोनों राजनीतिक दलों का यहाँ की नगर पालिका पर वर्चस्व रहा है, लेकिन उसके बाद भी शहर की जनता को आज भी ये गुहार लगाना पड़ रही है कि मेरे घर के पास की नाली चौक है, मेरे घर पे पानी नहीं है, और एक एक दो दो दिन छोड़ करके पानी आ रहा है, और पानी की क्वालिटी क्या है वो भी हम देख रहे हैं। मतलब स्वच्छता को लेकर खरगोन शहर को आगे हम बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अगर वो भी हम गलियों में देखें तो स्वच्छता कई जगह मुँह बाय खड़ी हुई है। उमेश जी ने जैसे अभी बताया कई मुद्दों को लेकर, उन्होंने कहा कि यहाँ जो दंगे की स्थिति है उसको भी राजनीतिक दल कहीं ना कहीं अपने लाभ का सौदा बनाना चाहेंगे, कांग्रेस ने बनाते, लेकिन मैं कांग्रेस भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे राजनीतिक दलों की ये चीजें, क्योंकि कांग्रेस उकसाती है। देश में आज भी देख रहे हैं कि इन हिंदू मुस्लिम जो एक माहौल है उसको क्रिएट किया जा रहा है राजनीतिक फायदे के लिए, लेकिन आम जनता काफी समझदार हो चुकी है और इन छलाव में आती नहीं है। आज की जो चर्चा थी वो काफी यादगार रहेगी आप लोगों के लिए, दोनों ही जो राजनीतिक हमारे अतिथि थे उन्होंने कई मुद्दों को लेकर आपस में गंभीर चर्चा भी की और कई मुद्दों को लेकर गर्मा गर्म बहस भी की, व्यक्तिगत आक्षेप भी लगे, लेकिन हम उन आक्षेप का अपने चैनल से कोई सरोकार नहीं रखते। आने वाले समय में भी हम इन मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। खरगोन नगर पालिका के चुनाव कुछ ही दिनों दूर हैं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण इंगले जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परविंदर चावला जी, जो राजू चावला के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे सहयोगी उमेश रेवलिया जी, आप तीनों का हम धन्यवाद देते हैं आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और आने वाले समय में नगर पालिका चुनाव को लेकर और भी मुद्दों पर नेताजी हाजिरों में बहस जारी रहेगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरों।